वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दिन नए दिन के साथ एक नया आगाज़, एक नया दिन। और अभी फिर मैं जा रहा हूँ हरम इफ्तार करने। कल की इफ्तारी के टाइम जो है ना, मैं बहुत ही लेट हो गया था, मुझे रास्ते में इफ्तारी करनी पड़ी, तो इसलिए आज मैं जल्दी घर से निकला हूँ। देख रहे हैं कि सूरज अभी है और घर से भी जल्दी निकला हूँ, तो अभी रास्ते में ऑलमोस्ट पहुँच गया हूँ मैं बस। फाइनली आज टाइम से हरम, और जो है ना मैं अभी आपको यहाँ के नज़ारे दिखाता हूँ। सुभान अल्लाह, 5 साल बाद ये नज़ारे, ये मौसम फिर से देखने को मिला, दिल बहुत खुश हो रहा है। देखिए सुभान अल्लाह, फिर से वही रश, वही दस्तरखान, वही रौनकें कुछ हद तक बहाल हो गई हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद काफ़ी आगे भी काफ़ी अच्छा होने वाला है इंशाल्लाह। बस अच्छा, बाहर जो सूखे लग रहे हैं ना, उनमें ये मेल मिल रहा है आपको। देखिए ये पानी दुगा और उसमें खजूर है, और क्या है उसके अलावा, पानी और ये चीज़ें। ठीक है, ये आपको बाहर जो मेल मिल रहा है उसमें ये चीज़ें, सही हो गया। ये देखिए माशाल्लाह, आमद ही आमद है लोगों की, और काफ़ी रश है, काफ़ी इंजॉय हो रहा है। अब मैं सामान लेके आ रहा हूँ, लेकिन अब बॉयज़ पता नहीं कहाँ पे हैं, चले देखते हैं किधर हैं वो लोग, नहीं तो फिर तरावी के बाद करेंगे कुछ। माशाल्लाह सुभान सफाई चल रही है। मुझे याद है जब हम छोटे हुआ करते थे ना, तो हम जैसे ही गाड़ियाँ होती ना, इनके पीछे हम लटक जाते, चिपक जाते, और जो है ना, तो बड़ा ही मज़ा आता था। पहला एक मोमेंट होता था जब बचपन में हम लोग यहाँ पे ना इनके पीछे सफाई वाले देखते ना, जब रोज़ा इफ्तार करने के बाद ऐसे इसी टाइम में ये आ जाते, तो हमने जो है ना बच्चे मिलकर सारे इनके पीछे चिपक जाना। अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर तीसरा दिन है, और तरावी पढ़ ली, तरावी पढ़ के फिर से जा रहे हैं माजिद भाई के। माजिद भाई बोलते हैं आज मेन्यू में क्या है माजिद भाई, कस्टर्ड है और चाट है, फ्रूट चाट है, समोसे हैं, पकोड़े हैं, लेकिन आज सालन नहीं है और चावल भी नहीं है ना। चावल का पता नहीं, अच्छी बात है, अलग ना हो चावल भी मैंने नहीं किया। और आदिल भाई आप बताएँ, अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह कल इफ्तारी आदिल भाई और मैंने एक साथ करनी, आज भी करनी थी लेकिन आज मिल नहीं सके, तो कल जो है ना आदिल भाई दस्तरखान लगाते हैं, तो वहाँ पे इनके पास इफ्तारी करते हैं इंशाल्लाह से। कल की फिर जो इफ्तारी है वापस दिखाऊंगा, आदिल भाई दस्तरखान लगाते हैं तो वहाँ पे होंगे, बर्गर खिलाएंगे हैं बर्गर। वैसे मैं डाइट पे हूँ पर कोई नहीं, एक आधा चल जाता है यार, खैर एक दिन खा लो, एक दिन। दूसरा दिन ना भाई ने ना ऐसे सूखे में गुजार रहा है, भाई ने बोतल भी छोड़ दी है, चावल भी छोड़ दिए, घास भूस भी है, बस दाल वगैरह पे चल रहा है। अच्छा खजूर चाहिए, तो खजूर नहीं है, सब खजूर नहीं चाहिए, यहाँ पे देख पूछ रहे हैं खजूर चाहिए नहीं चाहिए भैया, तो घास भूस पे चल रहे हैं। मेरा आदिल भाई जो है तस्बीहें बांट रहे हैं, उनकी पहली सैलरी आई थी तो इनको मम्मी ने कहा था कि आपने तस्बीहें बांटनी है, जो पड़ेगा सवाब मिलेगा। तो ये हमारे आदिल भाई जो है ना अपनी पहली सैलरी में तस्बीहें लेके तस्बीहें बांट रहे हैं। हदी आपके लिए واحد خلاص واحد هادو थैंक यू। इसमें जिम हो रही है, मुकाबले में कौन ज़्यादा करता है, कितने हो गए, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 अक्सर आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी वो बाबे की, जब वो बंदे को जीन चढ़ जाते हैं ना, एक फूंक मारने से सारा सेट हो जाता है जीन, इसको भी अभी वही जीन चढ़ गए हैं। 14, 15, 16, 17, 18 चंगा भला होना, 19, 20, 21, 22, 24, 25 पे बस कर गए जो आने। और हमारे आदिल भाई ने कितनी मारी, 5, आदिल भाई ने 5 लगाया। भाई आ गए भाई, ये क्या है, सही है, बेहतरीन है माशाल्लाह।
फ्रूट चाट कस्टर्ड, हाय हाय हाय, ये देखो मुंह से पानी आ रहा है। चलें शुरू करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या है, सन क्विक है ना, और ये यहाँ पे वो है शरबत है, दूध वाला दूध। तो चले ठीक है, फिर मिलते हैं, मैं जा रहा हूँ अपने घर कल असर के टाइम। ठीक है माजिद, इंशाल्लाह कल की तरह में मिलते हैं। ठीक फिर उधर ही आ जाना। हाँ फिर आपके दस्तरखान पे मिलते हैं। 360 नंबर है। ठीक है, तेज हो रहे हो हैं, बहुत तेज हो, बता रहे हो हैं, प्रमोशन करवा रहे हैं, देख रहे हैं प्रमोशन करवा रहे हैं, देख रहे हैं जानबूझ के नंबर बता रहे हैं, प्रमोशन ले रहे हैं। ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अब मैं जा रहा हूँ घर, क्योंकि भाई की कॉल आई। हाँ भाई, हाँ जानबाज मेरी है, देखा अरे भुलक्कड़ बंदा हूँ मैं। तो चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, अब ये बैठेंगे यहाँ पर, लेकिन घर। और वैसे आज मैंने अपने कपड़े भी धोने हैं, और फिर देखते हैं क्या सीन है। और घर में चुका हूँ, गाड़ी में आया हूँ क्योंकि वो जा रहा हूँ मैं उधर, कहाँ गाड़ी बनवाने जा रहा हूँ, जो मैं परसों जा रहा था नहीं जा सका, फिर कल जा रहा था फिर भी नहीं जा सका, तो फाइनली अभी मैंने मुझे सिखा देना कि ईशा के बाद मैं वहाँ पर अभी जा रहा हूँ। आवाज़ें सुन रहे हैं गाड़ी की? भाई क्या बताऊँ, मेरी फीलिंग्स, मैं वो फीलिंग वो नहीं कर सकता, बता नहीं सकता मेरी फीलिंग इस टाइम। सुबह क्या हुआ, सुबह मैं उठा, जैसे मैं उठा ना तो नमाज़ पढ़ के आया, नमाज़ के बाद आया, तो मैंने कहा यार कल वाली वीडियो अपलोड की थी ना, तो वो ज़रा चेक करता हूँ। तो मैंने वो वीडियो चेक की, मैंने कहा देखो व्यू कितने आए हैं, व्यू देखा मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मैंने कहा व्यू कहाँ गए मेरी वीडियो के व्यू। तो फिर जो है ना दादी, मैंने देखा 1K लिखा हुआ, मैंने कहा ये क्या है, जब देखा 1K, अभी 1K सीरियसली, मैंने कहा 1K भाई की वीडियो को इतनी खुशी मिली, इतनी खुशी मिली। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसे चेक किया, वो थी 1.3K, मतलब 1300 बंदों ने देखा, मैंने कहा वाह इतनी खुशी, यकीन नहीं हो रहा इतनी खुशी मिली, शॉकिंग भाई। इस वीडियो करते हैं यहाँ पे ख़त्म। कुछ भी दिल करे भाई को कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज मुझे एक बंदे ने कहा, सब्सक्राइबर ने कहा है मुझे, मेरे सब्सक्राइबर ने, कि आप ये नहीं कहते हो कि सब्सक्राइब करो और लाइक करो, कमेंट करो। कुछ भी दिल करे भाई को दुआ में याद करें। और आज का ब्लॉग सिर्फ इतना था, क्योंकि मोबाइल में बैटरी बहुत कम थी, तो इससे कम जगह पर मैं शॉर्ट लेता था। कल मैं भूल गया था, सोते वक्त मैंने मोबाइल को चार्ज नहीं लगाया था, तो इसलिए जो है ना सुबह जब मैं उठा मेरा मोबाइल 2% पर था, तो जितनी चार्जिंग हुई उतना मैंने किया और मैं निकल लिया। तो इंशाल्लाह बाकी की शूटिंग बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अबे नहीं यार सॉरी, मतलब बाकी का जो व्लॉग है, अबे व्लॉग बाकी जो वीडियो, अबे कहाँ वीडियो, कल की जो वीडियो, मतलब कल इंशाल्लाह कल जो वीडियो बनेगी उसमें इंशाल्लाह कुछ कोशिश करेंगे और ज़्यादा एंटरटेनिंग होगा। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और भाई को दे इजाज़त और दुआ में याद करें, अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ना भूलें ना याद रहें। और ये रमज़ान है, और जितना हो सके इस रमज़ान का फ़ायदा उठाएँ, ठीक है, इस माह रमज़ान का फ़ायदा उठाएं, इबादत करें, नमाज़ पढ़ें, क्योंकि इस रमज़ान में कहते हैं कि एक नेकी के 70 नेकियों के बराबर होती है। तो बस दिल जितना दिल करें, अपना सदका करें, खैरात करें, नेकियां करें, रोज़े रखें, रोज़े ये फ़र्ज़ होते हैं बिल्कुल नहीं छोड़ने, और बस दुआ में याद करें, क्योंकि पूरा साल होता है इंसान के लिए कमाने के लिए, खाने के लिए, एक महीना होता है जिसमें इबादत का होता है। ठीक है, इंसान ने खाली हाथ आना है और खाली हाथ जाना, हम रोते हुए इस दुनिया में आए हैं और रोते हुए ही इस दुनिया से जाएंगे, ये तो हकीकत है। रोज जब आते हैं तब भी रो रहे होते हैं, जब जा रहे होते हैं तब भी रो रहे होते हैं, हमारी कभी कमी पूरी नहीं होनी। तो बेहतर यही है कि बस कुछ दिनों के लिए दाने दें और अल्लाह करें, और बस इंजॉय करें और दिल में याद करें, दुआ में याद करें, भूलें ना याद रहें। फिर से बाय बाय, अल्लाह, अबे क्या कर रहा हूँ मैं रमज़ान पे, सॉरी, अल्लाह हाफिज़। मैं कुछ ज़्यादा फिर आगे निकल जाता हूँ कहीं दूर, उसमें किसमें भावनाओं में बह जाता है भाई। ठीक है, बस अब ज़्यादा भावनाओं में और शुभाओं में कहीं नहीं बहना भाई, यही रहना है। तो बस ठीक है, जय अल्लाह हाफिज़।